वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, इस वीडियो में आप गल करांगे सिख पंथ की दो महान शख्सियतों बारे जिन्होंने पंथ वास्ते अपना तन मन धन सौंप के सेवा की और पंथ की चढ़ती कला वास्ते हर दम जुटे रहते। फिर आप गल करांगे उन्हां शंकेवादियां प्रचारकों बारे जिन्होंने गुरबाणी के अर्थों का अनर्थ करके लोगों को गुमराह करन की कोशिश की, जिन्होंने गुरबाणी की गुरु इतिहास की निंदा की, इस प्रकार बज्र पाप अपने सिर लै रहे हैं। आप चाहते हाँ कि उन्होंने जिहड़े फॉलोअर्स ने जिहड़े उन्होंने वेखते हैं उन्होंने सच का आईना दिखाया जाए कि गुरसिखी ये नहीं जिहड़े शंकावादी दस रहे हैं, पर गुरसिखी वो है जिहड़े गुरसिखा ने कमाई, जिहड़े गुरु साहब ने सानू सिखाई। सो आओ आप दो महान शख्सियतों बारे गल करिए। सो पहली शख्सियत जिन्हां बारे आप गल करांगे उन्हें भाई साहब भाई जगराज सिंह जी, शायद तुसी उन्हां नूं जानते भी होवो क्योंकि उन्हां दा एक यूट्यूब चैनल है बेसिक्स ऑफ सिखी जिहड़ा यूके बेस्ड आ। सो भाई साहब भाई जगराज सिंह जी वो पहला किद्या दिखते सीगे मैं तुहानूं उन्हां दी फोटो स्क्रीन ते दिखांदा आ। सो दिस इज़ हाउ भाई जगराज सिंह यूज टू लुक वैन ही वॉज नॉट इन टू सिखी। सो जे उन्हां दी एजुकेशन बैकग्राउंड की गल करिए, सो ही वॉज एन एम ए फ्रॉम ऑक्सफर्ड यूनीवर्सिटी जिहड़ी वर्ल्ड की टॉप यूनीवर्सिटीज़ विच मनी गई है। उत्थों उन्होंने ऑक्सफर्ड तो पोस्ट ग्रैजुएशन की एंड दैन ही वॉज सर्विंग ब्रिटिश आर्मी फॉर 4 ईयर्स। 4 साल उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में कम किया। फिर उन्होंने अपना ओन बिजनेस अपना बिजनेस स्टार्ट किया रिक्रूटमेंट का। सो सब कुछ वधिया चल रहा सी, लाइफ वॉज गुड फॉर हिम। एंड पहला जिवें तुसी जानते ही हो जब कोई गुरु की शरण में नहीं होंदा तो वह फिर गलत खाण पीन भी करता है, गलत संगत में भी होंदा है, तो वह सब कुछ उन्होंने किया। बट जब महाराज जी ने किसी को बदलना होंदा है, सतगुरु जी की बख्शिश होंदी है, सतगुरु नाल मिलता है, गुरु की बाणी उन्होंने कन पैंदी है, तो गुरु की बाणी हृदय में वसदी है तो इंसान का जीवन बदल जाता है। सो उन्होंने उत्ते गुरु की कृपा हुई, उन्होंने संगत मिली गुरसिखा की, उन्होंने कैंप अटेंड किया सिखी का यूके विच। एंड इस प्रकार जब उन्होंने नाम जपना शुरू किया, सो नाम जपन नाल जब उन्होंने वाहेगुरु जी नाल कनैक्शन फील होना शुरू होया तो वह सिखी विच होर 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 डूंघाई विच जांदे गए। उन्होंने होर बाणियां पढ़नी शुरू की, होर संगत करनी शुरू की, इस प्रकार वह गुरसिखी विच आउण लगे। फिर समा आया जब उन्होंने कलगीधर पिता महाराज के बख्शे हुए खंडे बातरी का अमृत छक के गुरु वाले सजे, उन्होंने गुरु धारण किया गुरु नानक देव जी महाराज, सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सो वह इस प्रकार जब वह सिखी विच आए तो सिखी विच आ के वेखो उन्होंने ना सिर्फ अपने जीवन में गुरसिखी कमाई बल्कि इस गुरसिखी का प्रचार भी शुरू किया। उन्होंने वेख्या कि जब मैं सिखी विच नहीं सीगा तद जीवन किवें सीगा, तो हुण गुरु की मर्यादा भी जीवन जीण का किन्ना आनंद आंदा पिया आ। सो इस आनंद नूं सारे माण सकन उन्होंने सारी दुनिया नूं सारे लोगों नूं प्रचार करके गुरसिखी बारे दसना शुरू किया। उन्होंने ना सिर्फ पंजाबी विच प्रचार किया बल्कि इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, रशियन, होर भी जितनी भी भाषावां ने सारी भाषावां विच उन्हां दे चैनल ते तुसी वीडियोज़ अगर उन्हां दी वेखो ते तुसी देखोगे कि वो खड़े होके होर धर्मां नाल भी डिबेट करदे ने, उन्हां नाल भी विचार करदे ने। उन्होंने यूके विच पार्कां दे बाहर खड़ के होर धर्मां दे लोकां नूं भी सिक्खी बारे दस्या क्योंकि उत्थे सिक्खी दा इन्ना प्रचार नहीं सीगा। मोरओवर 2012 विच जब उन्होंने बेसिक्स ऑफ सिक्खी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया उस वेले सिक्खी दा प्रचार ऑनलाइन नहीं सीगा। उन्होंने देख के ये बड़ा दुख होया कि हर धर्म वाले लोग अपना प्रचार यूट्यूब ते इंटरनैट ते करदे ने, कुरान शरीक दे अर्थ भी पए हुए ने यूट्यूब ते, बट गुरसिखी दा तां कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है इस प्रकार यूट्यूब ते। सो उन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया एंड पंथ दी सेवा वास्ते अपने कम काज नूं अपने बिजनेस नूं भी संकोच लिया। अज उन्हां दे यूट्यूब चैनल ते भाई सुखदीप सिंह जी, भाई हरमन सिंह जी, भाई बलजीत सिंह जी, बीबी गुरप्रीत कौर जी और होर भी गुरसिख मिल के डिफरेंट लैंग्वेजेस विच अनेक प्रकार दीआं भाषावां विच गुरसिखी दा गुरबाणी दा प्रचार कर रहे ने। सो तन ने गुरसिख भाई जगराज सिंह जी जिहड़े अपने तन मन तन सौंप के गुरु की सेवा करते हैं, तो इन्हां नूं वेख के साढ़े अंदर भी गुरु की सेवा करन दा चाव पैदा होंदा है। इन्हां नूं वेख के सानू भी प्रेरणा मिलती है, सानू भी इंस्पिरेशन मिलती है कि असी भी गुरसिखी ते मार्ग ते चलीए ते नाल होरां नूं भी दसीए कि सच्चा मार्ग जिहड़ा आ गुरमत दा मार्ग जिहड़ा पूरा मार्ग है उस बारे लोगों नूं भी ज्ञान देईए। पंथ की दूजी महान शख्सियत जिन्हों बारे आप हुण गल करांगे उन्हें भाई रामा सिंह जी, जिन्हों का जन्म एक हिंदू परिवार विच अलीगढ़ विच उत्तर प्रदेश विच होया सीगा। उन्हां दी मां का नाम सीगा लक्ष्मी देवी अते पिता का नाम सीगा वैद चंद्रपाल।
ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੂਪ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਸਿੱਕਾ ਸੋਨੇ ਕਾ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਆ ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਫ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨ ਸਰਚ ਆਫ ਟਰੂ ਗੁਰੂ ਸੋ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ 4 ਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਨੇ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੋਜ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਆ ਈਸ਼ਵਰੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਵ ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਆਪਣੇ ਤਨ 'ਤੇ ਸਹਿਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੋਹਨ ਤਾਰੀਖ ਸਾਧੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੀ 3 ਸਾਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਉਹ ਸੀਗੇ ਠੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੈਨੀ ਸਾਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੀ ਸਾਧੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪਾ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਧੂਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਪਸਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਉਹ ਤਪਸਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਧੂਣੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਊ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜਾ ਦਾਨ ਸ਼ਰਾਧ ਅਤੇ ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਅਸਲ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਿਰਾਗ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰੇ ਰਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਹਰੇ ਰਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੇ ਸੋ 3 ਦਿਨ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿਰਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਇੰਗਲੈਂਡ UK ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਕਿਰਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਗਏ ਰਸ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ 12-13 ਘੰਟੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਾਂ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ
कि मैनू आउण वाले टाइम का पहला ही पता लगन लग पिया, जिवें कि कल नू मीह पैना है या धुप निकलनी है। जिदा आपां हुण वेखदे हां ना कि फोरकास्ट विच कल नू किन्ना टैंपरेचर है, किन्नी धुप पैनी, किन्नी बारिश पैनी, बर्फ तां नहीं पैनी, उस तरह आप अपना इंतजाम करके रखते हैं। उहनां नू सुत्ते सिद्धी पता लगन लग पिया, है ना। फिर वो अगे लिखते हैं, जे कोई प्राणी 10-12 घंटे मूल मंत्र का पाठ करे उसनू जरूर रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाणगियां भावें किसी धर्म का होवे। तो दसते हैं कि मैं उस वेले अजे केसाधारी भी नहीं सीगा, तो जब मैनू रिद्धियां सिद्धियां सुखमनी साहब के पाठ से मूल मंत्र के पाठ करन नाल प्राप्त हो गई। सो प्यारे, इस प्रकार गुरसिखी विच आए तो अगे जाके जब उन्होंने अमृत छकना सीगा तो जर्मनी में जब उन्होंने एक कौतक वरत्या उन्होंने नाल, तो वो तुसीं पढ़ना पुस्तक में तुहानू पता लगेगा कि वह कौतक की सीगा। तो जब वो अमृत छकते हैं, जब उन्होंने पूरा गुरु मिलता है, पूरे गुरु तो नाम मंत्र मिलता है, तो नाम उन्होंने हिरदे में वसदा है, वो बारे जो उन्होंने खास गल् लिखिया ने वो मैं तुहानू पढ़ के सुनांदा आ। ये साड़ी मेन गल है अज की, है ना। तो वह की लिखते हैं, दास ने जदों अमृत पान किया तो बहुत कला वरती सी, पंजा प्यारिया ने नाम दृढ़ कराया तो कोई सुध बुध नहीं रही, अखां बंद हो गई फिर भी मैं सारा नज़ारा वेख रहा सीगा, घर जाके भी सिमरन करता रहा, उस रात नींद भी नहीं आई, सारी रात अपने आप सिमरन चलता रहा। इस तरह लगता सी कि अंदर दीवा जग गया है, इसका प्रकाश आसमान विच चमकती बिजली वांग हुंदा है, वह तो सैकेंडा बाद बुझ जाती है, पर इस प्रकाश का चानना ये नहीं बुझदा, ये चमकता ही रहता है। इसका नज़ारा वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। जदों प्रकाश हुंदा है ता नाम जपण विच बहुत आनंद आंदा है, दिल करता है कि जपदे ही रहा। सो इस प्रकार भाई रामा जी ने लिखा आ। तो ये भाई रामा जी दी गुरु साहब ने सेवा लाई, ये पंज प्यारियां विच लग के आप भी नाम जपते रहे, तो होर भी गुरसिखां दा नाम दृढ़ करा के पंज प्यारियां विच लग के गुरु वाले सिख बनाते रहे। सो इस प्रकार ये महान गुरसिख जिन्हां नूं गुरु साहब ने सेवा बख्शी है, आप जपो अवरा नाम जपावो। सो इस प्रकार उन्होंने पंथ दीयां सेवां कीतियां, तो होर भी काफ़ी कुछ पुस्तक में लिखे है, जब तुसीं पढ़ोगे तो तुहानूं पता लगेगा गुरमत दीयां बहुत सारी रमज़ां उन्होंने दसियां ने। सो गुरु प्यारियो, इन्हां दो गुरमुख शख्सियतों के जीवन तो पता लगता है कि जब वाहिगुरु जी साढ़े दयाल होंदे ने, वाहिगुरु जी कृपा करते हैं, तो सानू गुरु अपने पूर्ण गुरु गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहिब जी नाल मिलाउंदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी विच्चों सानू नाम की महिमा पता लगती है, तो पंज प्यारियां तो अज साडी जिहड़ी गुरु धारण करन दी मर्यादा है खंडे बाटे दी पाहुल, जब आपां उह पाहुल छकदे हाँ तो पंज प्यारे साढ़े सीस ते हथ रख के सानू नाम दृढ़ कराउंदे ने। सो इस प्रकार वाहिगुरु जी की कृपा द्वारा सानू गुरु साहब मिलते हैं, गुरु साहब सानू नाम देते हैं, तो नाम के अभ्यास कमाई द्वारा साढ़े अंदर वाहिगुरु जी की जोत प्रज्वलित हो जाती है। जिवें कि महाराज जी ने कहा, नदर करे जे अपनी ता नदरी सतगुरु पाया, ए जियो बहुते जन्म परमया ता सतगुरु शब्द सुनाया, सतगुरु जे वड़दाता को नहीं सब सुनयो लोक सबाया, सतगुरु मिले सच पाया जिन विचों आप गवाया, जिन सचों सच बुझाया। भाव कि जब वाहिगुरु जी की नदर होंदी है तो सतगुरु जी मिलते हैं, सतगुरु जी सानू शब्द सुनाते हैं, नाम गुरु मंत्र सुनाते हैं, जिस करके साडा जन्म मरण का गेड़ मुक जाता है। जिहदी अभ्यास कमाई द्वारा जिवें जिवें आप नाम जपते जाते हाँ, ये साडे श्वासों में साडे हिरदे में वसदा जाता है, तो जो साडे हिरदे में यह नाम वस जाता है तो आप जन्म मरण के गेड़ तो रिहा हो जाते हैं। सतगुर मिलिया सच पाया, सच भाव जो सच्चा नाम है, जो वाहेगुरु जी का निज नाम है, वह सानू गुरु मंत्र रूप में प्राप्त होता है। उस सच की कमाई करके असी सत स्वरूप वाहेगुरु जी नाल अपेद हो जाते हैं। सतगुर मिले सच पाया जिन विचों आप गवाया, इस नाम के जपण करके साड़ी हौमें मिट जाती है। जिस प्रकार गुरबाणी कहती है कि वाह वाह करते हैं मन निर्मल होवे हौमें विचों जाए, इस प्रकार हौमें आपा मिट जाता है। ते फिर जिन सचों सच बुझाया, जिन्होंने सानू सचों सच जिहड़ा गुरमंत्र नाम बुझा दिता कि इस नाम की अभ्यास कमाई द्वारा तुसी उस सत स्वरूप सत नाम जिहड़ा एक ओंकार सत वाहिगुरु जी ने उन्हां नाल तुसी मिल सकते हो। पर उही समझ सकता है जिहड़ा मन बच करम द्वारा इस नाम की सुनण मनण अभ्यास कमाई नू करे ते इस विच जुटिया रहे। सो गुरु प्यारियो, असी भी नाम जपिए, गुरु द्वारा नाम प्राप्त करके इनू जपते रहिए, गुरु साहब दत्ते हुए गुरमत गुणा नू तारण करके अते गुरु दी मर्यादा विच जीवन व्यतीत करके अपना अपने जीवन नू सुचज्जा सुखाला वाहिगुरु जी दे नाल मिलाउण वाला बना लईए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।